इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने आज प्रदेश कमेटी के आह्वान पर गोहाना सब डिवीजन के सभी विभागों में कार्यरत जेई ने पैन छोड़कर अपनी मांगों को लेकर आगामी रणनीति के लिए आज सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की व सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया। इस दौरान गोहाना सब डिवीजन स्तर की एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद मलिक ने जगत महान संवाददाता से बातचीत करते हुए अपनी मांगों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि कोई भी जेई का डिप्लोमा करने के बाद सरकारी पद पर भर्ती होने के उपरांत जेई के नाम से ही रिटायर हो जाता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि एसीपी का भी अभी तक जो नियम है वह गले नहीं उतर रहा है, इसलिए सरकार को एसोसिएशन की मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा, नहीं तो आंदोलन की राह जारी रहेगी। हमारी रणनीति ये है, जो पूरे राज्य स्तर पे ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो अभी पहले हमने 3 दिन ब्लैक रिबन लगा के काम किया है और अभी हम पैन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, 26 और 27 तारीख की है ये। और इसके बाद अगर हमारी मांगे सरकार को हमने पहले भेज रखी हैं, अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है तो हमारा 2 तारीख को सांकेतिक धरना है और उसके बाद राज्य स्तर पर एक मीटिंग करेंगे हम, तो उस मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा, तो हो सकता है 15 अगस्त के बाद हम आगे सारे डिपार्टमेंटों के जो सिविल इंजीनियर हैं वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं विशेष तौर पे आप? हमारी मेन मांगे इसमें पे नॉमिनल की है, एनोमिनल्स की है, जो कि हमारा पे स्केल है वो बहुत पहले लेक्चरारों के बराबर होता था, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उस चीज़ के लिए अब हम ये हमारी मांग ये है कि हमारा जेई से प्रमोशन एसडीओ का होता है और एसडीओ के एक स्टेप नीचे हम अपना पे स्केल मांग रहे हैं। अब क्या है? और अब जो पे स्केल 9342 है और उसके अनुसार अब जो हम एक पे स्केल के साथ साथ हमारा एसीपी का है, जैसे अभी हमारी एसीपी 8 साल में 16 साल में इस तरीके से हम उन्हीं की तरह पे एसीपी की भी मांग कर रहे हैं 5, 11 और 17 में, तो इसी एक ये है। अच्छा, मुझे पता चला जैसे बिजली डिपार्टमेंट आपके साथ नहीं, बाकी सारे हैं, उनका क्या रीज़न है? वो बिजली डिपार्टमेंट की अलग से उनका एसोसिएशन है। अच्छा, वो है। तो सरकार से आपकी कोई वार्ता हो पाई है कोई एक फेज में? नहीं, अभी हमारी कोई वार्ता नहीं हो पाई है। हमने मेमोरेंडम सरकार को पहले भेज दिया, मंत्रियों के थ्रू भेजा गया, लेकिन सरकार ने जब हमारी नहीं सुनी है तो हम ये स्टेप हमने उठाया है और अभी भी हम सरकार को यही बता रहे हैं कि भाई आगे कोई हम जो डिसीजन लेते हैं उससे पहले सरकार हमारी सुन ले और हम तरीके से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, हम भी नहीं चाहते कि हम इस तरीके से रोक के बैठे, लेकिन हमारे को मजबूर किया जा रहा है, जो ना सुन रहे हैं, क्योंकि भाई सरकार जिस तरीके से सुन रही है तो नहीं सुन रही है। जैसे क्लर्क बैठे हैं रोड पे और भी दूसरे कर्मचारी हैं, सरकार सुनाई नहीं कर रही, तो लगता है आपको जो आप ये एजिटेशन कर रहे हैं सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो जेई की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वो एसडीओ से एक स्टेप नीचे है और हमारी डिमांड भी सिर्फ वही है कि जो हम एक स्टेप नीचे हैं तो एक स्टेप नीचे ही हमें हमारा ग्रेड पे दिया जाए। जैसे एसडीओ का ग्रेड पे 5400 है और हमारा इस समय ग्रेड पे 4200 है, हमारी 4800 ग्रेड पे की डिमांड है, जिसमें हम एफपीएल में 4600 में आएंगे। और जैसे सभी विभाग के इंजीनियरों को जो एसीपी है एसडीओ को एक्शन को 5, 11 और 17 साल में, हमारी भी वही है कि हम भी इंजीनियर हैं और 5, 11, 17 में ही हमें भी उसी तरह से एसीपी दी जाए। और दूसरी हमारी डिमांड है प्रमोशन कोटा, एक जेई भर्ती होता है तो वो जेई की पोस्ट से ही रिटायर होता है, जबकि अदर्स किसी भी पोस्ट को हम लेंगे वो 4, 4, 5, 5 के आसपास प्रमोशन लेकर रिटायर होते हैं। इससे एक सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़ा होता है कि उसी पोस्ट से आदमी रिटायर होता है कोई भी एम्प्लॉई तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, इसलिए तो हमारा ये कि प्रमोशन कोटा भी बढ़ा जाए जिससे उसे कम से कम एक प्रमोशन तो मिले। जेई का नेक्स्ट प्रमोशन भी एसडीओ का है, उसी तरह पे ग्रेड पे की भी डिमांड है, उसी तरह पे हमारा प्रमोशन की भी डिमांड है कि हमें प्रमोशन कोटा बढ़ा जाए तो कम से कम एक प्रमोशन तो मिले। उस साल के बाद जेई को एएसडी या एएसडीओ बोलते हैं उसको डेजिग्नेशन किया गया, जबकि उसके सर्विस रूल अलग से नहीं बनाए गए हैं अब तक गवर्नमेंट से, तो हमारी ये भी डिमांड है कि गस्टेड स्टेटस के साथ उसके सर्विस रूल भी अलग से ही फ्रेम हो और कोई फाइनेंशियली पावर भी दी जाए साथ में। गोहाना से जगत महान न्यूज़ के लिए सारिका नरवाल की रिपोर्ट।